बचपन में ही दिखा दिया था कि कैसे सबको ये हंसा सकती हैं, रुला सकती हैं। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरुआत की और फिर बन गईं जबरदस्त राइटर। हनी ईरानी, जन्म 17 जनवरी सन 1950 में हुआ। एक से बढ़कर एक फिल्मों के लिए कहानियां और स्क्रीन प्लेज इन्होंने लिखे, चाहे वो फिल्म लम्हे रही हो, क्या कहना, या फिर ब्लॉकबस्टर कहो ना प्यार है। आपके देश में अंडा इस अंजाम से तोड़ते हैं? क्या अंजाम? मात्र 2.5 साल की उम्र में हनी ईरानी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उस दौर में इनकी फिल्में रही संतान, तलाक, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ। इनका एक खास रिश्ता रहा मीना कुमारी जी के साथ। इनका ये कहना रहा कि मीना कुमारी इनका इतना ख्याल रखती थीं जैसे इनकी खुद की सगी माँ हो। मीना जी के साथ इनकी आखिरी फिल्म रही पूर्णिमा। तब तक हनी ईरानी बड़ी हो गई थीं और फिर सीता और गीता में भी ये नजर आईं और 70 के दशक तक आते आते ये रमेश तलवार साहब को असिस्ट करने लगी। हनी ईरानी आगे जाकर मशहूर राइटर जावेद अख्तर से मिली और फिर इन दोनों की शादी हुई। इनकी शादी का किस्सा भी बड़ा निराला है। फिल्म सीता और गीता के सेट्स पर इनकी मुलाकात हुई थी, जहां सलीम जावेद रमेश सिप्पी साहब के लिए लिख रहे थे। किस्सा बड़ा ही मजेदार है। एक बार सब लोग ताश खेल रहे थे और तब हनी ईरानी ने जावेद अख्तर साहब से कहा कि लाओ मैं तुम्हारे लिए एक पत्ता खींचती हूँ। जावेद साहब ने कहा कि अगर ये पत्ता वाकई अच्छा हुआ तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जैसे ही इन्होंने पत्ता खींचा तो जावेद साहब के तो पाँव बारा, वाकई पत्ता बढ़िया था। और तभी जावेद साहब ने कहा चलो चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। सब लोग इस बात पर जोर से हंसे और बाद में सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान पहुंचे जावेद साहब का रिश्ता लेकर हनी ईरानी की माँ के पास। वहाँ पर जाते ही सलीम साहब ने कह दिया लड़के का कोई घर बार नहीं है, शराब पीता है, ताश खेलता है और कोई ठिया ठिकाना नहीं है। ये सुनते ही हनी ईरानी की माँ ने कहा कि करने दो इसे शादी, सबक सीखकर वापस लौट कर आ जाएगी। और 21 मार्च सन 1972 में इनकी शादी हो गई और इसी किस्से को फिल्म शोले में रखा गया, जहाँ पर जय वीरू का रिश्ता लेकर मौसी के पास जाता है। एक बार शराब पी ली ना फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हनी ईरानी मात्र 17 साल की थी जब इनकी शादी उस वक्त के स्ट्रगलिंग राइटर जावेद अख्तर से हुई। इनके पास अपना घर भी नहीं था। इनकी बड़ी बहन मेनका, जिनकी शादी कमरान खान साहब से हुई, वही कमरान खान जिनके बच्चे फराह खान और साजिद खान मशहूर फिल्म मेकर्स हैं, उनके घर में एक खाली कमरा था जिसे वो एक स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करते थे और वही कमरा नवविवाहित जोड़े को मिल गया। माँ ने कहा था ना भाई को भाई का साथ देना चाहिए जिस तरह लक्ष्मण ने राम का साथ दिया था। पर फिल्म जंजीर के बाद सब कुछ बदल गया। संजीर, शोले, यादों की बारात, दीवार, इन सभी फिल्मों ने इतनी मकबूलियत हासिल की कि जावेद साहब के दिन बदले और साथ ही उनके परिवार के। लगता है वो दीवार जो हम दोनों के बीच है वो इस पुल से कहीं ऊंची है। पर धीरे धीरे संकट के बादल इनके परिवार पे छाने लगे। जावेद अख्तर साहब की नजदीकियां बढ़ी मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी के साथ और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। सन 1978 में हनी ईरानी और जावेद अख्तर का तलाक हो गया। हालांकि तलाक पूरी तरह से सन 1984 और 85 के दरमियान हुआ। जावेद साहब और शबाना जी का विवाह हो गया सन 1984 में। हालांकि तलाक के बाद जावेद साहब महीने के महीने कुछ रकम हनी जी को जरूर दिया करते थे, पर वो काफी नहीं होती थी। और तब हनी ईरानी ने ये फैसला किया कि वो साड़ियों पर अब एम्ब्रॉयडरी का काम करेंगी और ये साड़ियाँ बड़ी बड़ी हीरोइंस खरीद लिया करती थी। इसी बीच हनी ईरानी का लघु कथाएं लिखने का शौक बरकरार रहा। ये कहानियां तो काफी वक्त से लिख रही थीं, पर किसी से इन्होंने ये बात बांटी नहीं थी। और सन 1993 में यश चोपड़ा और उनकी बीवी पैमेला चोपड़ा से इन्होंने एक कहानी बांटी, वही कहानी जिसने आगे जाकर फिल्म आईना की शक्ल ली। और इसी बीच यश चोपड़ा साहब ने कहा कि क्यों नहीं एक और कहानी, एक स्क्रिप्ट लिखती हो तुम हमारे लिए। और तब अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर फिल्म लम्हे लिखी गई। फिल्म लम्हे के लिए हनी ईरानी को अवार्ड से भी नवाजा गया था। उसके बाद शाहरुख खान, जूही चावला स्टारर डर भी हनी ईरानी ने ही लिखी। इतने दिन हो गए लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता। मैं जाने कैसी दवा देता है डॉक्टर, जरूर किसी की नजर लग गई माँ को। एक मुद्दा और फंस गया था फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की राइटिंग को लेकर। ये बातें सामने आई थीं कि हनी ईरानी को पूरा क्रेडिट नहीं दिया गया फिल्म DDLJ के लिए और इसी वजह से जरा दूरियां भी आईं चोपड़ा और हनी ईरानी के बीच। पर बाद में सब ठीक कर लिया गया। फिल्म कोई मिल गया को कौन भूल सकता है, इस फिल्म के लिए भी हनी ईरानी को बतौर
को स्क्रीन प्ले राइटर अवार्ड से नवाजा गया। दुनिया में किसी आदमी को छोटा मत समझिए सर। 2.5 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने शुरुआत की, फिर शादी और उसके बाद अपने निजी जीवन के आए तूफान को पार करके इन्होंने इतिहास रच दिया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में हनी ईरानी का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।